प्रेरणा कथा। घर तो घर होता है, बहुत दिनों से घर में झंझट ही झंझट चल रहा था। उससे अब ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो घर छोड़कर कहीं चला जाएगा। हर चीज की एक सीमा होती है और उसको ऐसा लगने लगा था कि अब उसमें धैर्य बाकी नहीं था। उसके अनुसार सभी झंझटों की शुरुआत उसके जन्म से ही हो गई थी। उसके पिताजी एक ऊंचे सरकारी पद पर आसीन थे। उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और अन्य भी साधन थे कमाई के। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, चारों तरफ धन और वैभव था। उसके पिताजी थोड़े रोमांटिक स्वभाव के थे, परंतु उनको सामाजिक कारणों से पत्नी व्रता बनकर दिखाना पड़ता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसका बचपन बहुत ही लाड प्यार और मौज में गुजरा था। उसके पास ढेरों खिलौने, कपड़े और हर वो चीज थी जो एक बच्चे को खुश कर सकती थी। उसके माता पिता उसकी हर मांग पूरी करते थे और उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। परंतु जैसे जैसे युवावस्था आती गई, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। उसको लगने लगा कि बचपन में उसको मिलने वाला प्रेम घटने लगा था। बड़े होने पर उसकी गलतियां माफ नहीं की जाती थी। कभी थप्पड़, कभी बेलन, कभी चप्पल से उसकी पिटाई अक्सर होने लगी। वो माँ के द्वारा होने वाली पिटाई का बुरा नहीं मानता था। उसके पिताजी उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाते थे, परंतु अपने शब्दों के बाणों से उसको घायल करते रहते थे। उसको निकम्मा, कामचोर, गधा, मूर्ख, कम अकल और न जाने कैसे कैसे शब्द पिताजी के मुंह से सुनने पड़ते थे। बचपन में इतना अधिक लाड प्यार पाकर बड़े हुए उस लड़के को बहुत गहरा आघात पहुंचा। धीरे धीरे जब पिताजी के ताने बढ़ने लगे, उसके मन में अनेकों ख्याल उठने लगे। एक ख्याल घर छोड़ देने का भी था। कई बार घर छोड़ देने का विचार करता था, परंतु माँ के हाथों की गर्मा गर्म रोटियां, पराठे और अन्य स्वादिष्ट चीजें और पिता की तरफ से मिलने वाले दैनिक खर्च के पैसे उसको घर में ही रोक लेते थे। एक दिन खाना खाते समय उसके पिताजी ने उसकी नौकरी के बारे में चर्चा शुरू कर दी। उसके पिताजी अचानक गुस्सा हो गए। इतना बड़ा हो गया है, 18 से ऊपर हो गया है। मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करता था। अपने खर्चे के पैसे मैं खुद ही कमाता था। तुम तो एकदम निकम्मे हो, बस खाना खुसते हो और या तो सोते रहते हो या अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। अपने जेब खर्च के पैसे भी नहीं कमा सकते। वो अपने पिता को बताना चाहता था कि वो अभी सिर्फ 18 का था और घूमना फिरना, दोस्तों के साथ समय बिताना, बाहर होटलों और अन्य जगहों में खाना खाना अच्छा लगता था, परंतु उसके मुंह पर ताला पड़ गया था। उसके संस्कार तो अच्छे थे, इसीलिए वो कभी भी पिताजी को पलटकर जवाब नहीं देता था। एक दिन उसके कॉलेज में एक समारोह था। क्योंकि उसके पिताजी एक उच्च सरकारी अफसर थे, उनको ही उस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया। उस समारोह के बाद उसके पिताजी ने उसके दोस्तों और उनके माता पिता से बातें की। उन्होंने रोमा और उसके पिताजी से भी बात की। रोमा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो 2 महीने से रोमा को आकर्षित करने के लिए बहुत से तरीके आजमा चुका था। कुछ दिन पहले ही उसने रोमा को फोन पर एक दूसरे से बातें करने शुरू की थी। उसके पिताजी को जब ये मालूम चला, उन्होंने बेटे से सब रोकने को कहा। रोमा के पिताजी ने उसके पिताजी से अपने बेटे के बारे में पूछा। उसके पिताजी ने सत्य बोलते हुए कहा, उसके सारे अंगों उनको खोल कर बता दिए। वो बेचारा शर्म से सर झुकाए खड़ा रहा। दोनों के पिता खूब जोर जोर से हंस रहे थे। उसको अपना अपमान महसूस हो रहा था। उसने घर आकर अपने कपड़े और अन्य सामान एक बैग में रखा, माँ की एक तस्वीर अपने पर्स में रख ली। उसने बंबई जाने का निर्णय किया। उसने सोचा किसी होटल में काम करके पैसा कमाएगा और फिर अभिनेता बनने का प्रयास करेगा।
कुछ सोचकर उसने अपना सामान कमरे में ही रख दिया और घर से बाहर निकल गया। वो पास की एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया और एक कप चाय का ऑर्डर दे दिया। वो जाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहता था, परंतु वह जानता था वो ये नहीं कर सकेगा। अचानक चाय वाले ने कहा, अरे मोहित भैया, आपके पिताजी इधर ही आ रहे हैं, शायद कुछ लेने आ रहे हैं। मोहित तुरंत उठा और दुकान के पीछे के रास्ते से निकल गया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर में घुसते ही वह रसोई में गया। माँ गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। एक क्षण में ही पिताजी के ताने, अपना अपमान और बंबई जाने का अपना निर्णय वो भूल गया। वही माँ के पास खड़ा रहा। माँ ने उसको प्लेट में दो पराठे और कटोरी में दही दे दिया। उसके गुस्से को महसूस करते हुए माँ ने कहा, ये ले 200 रुपये रख ले अपने पास, पिताजी को मत बोलना, उन्होंने मुझे रोमा के बारे में बताया था कल रात को। वो खुशी खुशी पराठे खाने लगा और रोमा के विचारों में डूब गया। आज तो उसके जेब में हफ्ते भर के जेब खर्च से भी ज़्यादा पैसे थे। वो स्वयं बोल उठा, घर तो घर होता है। मित्रों, लगभग सभी युवा और युवतियाँ कभी न कभी अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। क्रोध और आवेश में वो ये भूल जाते हैं कि घर में जो सुविधा उनको मिलती है वो बाहर नहीं मिलती। बहुत से नौजवान क्रोध में गलत निर्णय लेकर घर छोड़ देते हैं, परंतु ज़्यादातर को पछताना ही होता है। करोड़ों में से कोई एक दो ही होते हैं जो घर से दूर जाकर संघर्ष करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अपने बच्चों और अपने छोटे भाई बहनों को खूब प्यार किया कीजिए और उनसे मित्रों की तरह बातें किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।